जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में 18 थाना क्षेत्रों में 18 जगह स्थान का चयन किया जा चुका है और उन्हीं नियत स्थानों में ही आतिशबाजी फुटकर की दुकानें लगाई जा रही हैं। दुकानदारों की लगभग 33 हमारे जो आतिशबाजी निर्माणी हैं उनका निर्माण करने और बेचने दोनों का लाइसेंस है। लगभग 41 लाइसेंस धारक हैं परमानेंट जिनका केवल बेचने का है। अच्छा, जो लगातार कभी कभार हादसे भी हो जाते हैं, हादसा ना हो इससे बचाव के लिए जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं? इनके इसीलिए स्थानों का चयन किया गया है, स्थान खुले स्थान में लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एक सभी दुकानें टीन शेड में लगाई जाएंगी, वहाँ इसका कपड़े और ये पॉलीथीन वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा। बदायूं में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जहां पूरे प्रदेश में पटाखों के अवैध भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, वहीं उन्नाव में पटाखों का अवैध भंडारण का काम बदस्तूर जारी है। वहीं अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर समय रहते इन अधिकारियों की नींद टूटेगी भी, या फिर किसी हादसे के होने के बाद अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकले। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ETV भारत।